हाय गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 43 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको ट्राइफोन के बारे में बताऊंगा। ट्राइफोन तीन वावल्स के मजमुए को ट्राइफोन कहते हैं। अगर डिफ्थोंग के बाद कोई तीसरी साउंड आएगी तो उसके साथ हम एक टिक का इजाफा करेंगे, जिसको हम ट्राइफोन कहेंगे, ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। आइए बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास वर्ड है डायरी। डायरी में आई का डिफ्थोंग है डाई री, आई का डिफ्थोंग है, और साथ में हमने एक टिक का इजाफा कर देना है ताकि ये डायरी बन जाए। इस तरह हमारे पास लायल है। लायल में देखें, एल का स्ट्रोक है, एल अपवर्ड है, वाय का डिफ्थोंग है, इसके साथ हमने एक टिक का इजाफा छोटा सा कर दिया, ये ट्राइफोन की आवाज़ के लिए ये बन गया लायल। इस तरह फीवर, फीवर में फ्यू लिख कर आर यू का डिफ्थोंग है, इसके साथ हमने एक छोटा सा स्मॉल टिक लगा दिया, जो कि ट्राइफोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह पावर के लिए पी का स्ट्रोक है, आर है, यू का डिफ्थोंग है, साथ में ट्राइफोन लगा दिया पावर। लाइंग के लिए एल का स्ट्रोक है, इंग है, आई के साथ हमने एक टिक का इजाफा किया, लाइंग बन गया। इस तरह शावर, शावर में देखें इश है, ओ का वावल है, और ये साथ में डिफ्थोंग लगा दिया हमने। इस तरह टॉवल, टॉवल के लिए ओ का डिफ्थोंग है, इसके साथ हमने टिक का इजाफा कर दिया, ये बन गया टावल। नेक्स्ट हमारे पास है वाया। वाया में देखें वी का स्ट्रोक है, आई ए के लिए हमने टिक लगा दिया, वाया बन गया ये। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो इशू, इशूइंग, इशू लिख कर, इशू लिख कर आपने इंग लगा देना, और यू के लिए डिफ्थोंग लगा के साथ में एक टिक लगा देना इशूइंग के लिए। इस तरह अलाउंस के लिए एल अपवर्ड है, एन है, ओ का डिफ्थोंग लगा के एक हमने ट्राइफोन के लिए इजाफा कर दिया अलाउंस। इस तरह बाइंग, बाइंग में आप देखें बी का स्ट्रोक है, इंग है, आई का डिफ्थोंग है, और साथ में एक छोटा सा स्मॉल टिक हमने लगा दिया, ये बाइंग बन गया। नेक्स्ट है डाइंग, डी का स्ट्रोक है, इंग है, डाइंग। नेक्स्ट है इंजॉइंग, वाई का डिफ्थोंग लगा के साथ में हमने छोटा सा टिक लगाया ट्राइफोन के लिए। इस तरह टावर है, टावर में देखें आप टी का स्ट्रोक है, आर डाउनवर्ड है, ओ का वावल है, और साथ में एक छोटा सा हमने टिक लगा दिया, ये बन गया टावर। अजीज़ तलबा, आज हमने ट्राइफोन डिस्कस किया है। अगर डिफ्थोंग के साथ अगर तीसरी साउंड हो, डिफ्थोंग के साथ अगर कोई तीसरी साउंड आए तो उसके साथ एक स्मॉल टिक का इजाफा किया जाता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि तीन वावल्स के मजमुए को ट्राइफोन कहते हैं। और आपको पता है कि हमने डिफ्थोंग और ट्राइफोन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम शॉर्ट हैंड में टाइम की सेविंग के लिए हम करते हैं, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो, हम थोड़े से वक्त में एक अपने हाथ की हरकत से ज़्यादा वर्ड लिख सकें। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाफर स्टेनोग्राफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।